चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में युवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से लगाया गया 14वां रक्तदान शिविर। पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, असिस्टेंट जनरल ऑफ इंडिया आदि अन्य माननीय अनुभवों ने रक्तदान शिविर में शिरकत की। यह शिविर चंडीगढ़ के पूर्व महापौर देवेश मोदगिल की माताजी की स्मृति में 14 सालों से लगवाया जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय में लगाए गए इस रक्तदान शिविर में 100 से अधिक विद्यार्थियों के साथ कई अन्य लोगों ने रक्तदान किया। ऐसा ये अपनी माताजी श्रीमती कमलेश शर्मा जी की स्मृति में हमारा 14वां साल है, 14वां रक्तदान शिविर है और लगातार हमारा एक प्रयास रहा है कि अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को मिलाकर इस तरह से एक नोबल कॉज के लिए, क्योंकि रक्त की कहीं भी ना तो उत्पत्ति है सिर्फ मानव शरीर के अलावा, ना ही इसका कोई वैज्ञानिक उन्हें आज तक शोध कर गई इसका कोई प्रोडक्ट निकाल पाए हैं कि इसका अल्टरनेटिव हो, तो इसलिए हमारा मानना है कि अगर व्यक्ति किसी को रक्त देगा तो दूसरे व्यक्ति की जान बचा पाएगा। तो इस दिशा में प्रयास करने के लिए साल में एक बार एक बड़ा आयोजन ऐसा करना जिसमें समाज के लिए अपनी तरफ से हम कुछ कर सकें, उसके तहत हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। और बहुत धन्यवादी हूँ सारी आयोजक टीम का जो 14 वर्षों से निरंतर बिना थके हुए हमारे साथ लगे हैं। जो भी रक्त देने वाले हैं, रक्तदानी आते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी एक कॉल पर हमेशा वे लोग उपस्थित रहे हैं। और समाज में अगर 100 हमने यूनिट खून के दिए आज एकत्रित करके दिए इस रक्तदान शिविर में, उसका लाभ हमको ये रहेगा कि 3 से 4 व्यक्तियों की जान एक यूनिट से बचती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा कार्यक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद कि समाज की सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान हमको डालना, ये हम प्रयास करते हैं। ये पता चला कि गैर राजनीतिक संगठन जो एनजीओ है, 2 एनजीओ है जी, युवा संकल्प फाउंडेशन जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और सोसाइटी फॉर डिवाइन रेकी मेडिटेशन सरदार जजोर जी उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। हम दोनों पुराने मित्र हैं, दोनों ने मिलकर लगातार इसका आयोजन किया है, एक श्रृंखलाबद्ध आयोजन ताकि ये कड़ी बनी रहे, चलती रहे निरंतर, वो हमारा एक प्रयास है जिसके लिए हम लगे हुए हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।